खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां पर्यटन नगरी रानीखेत में पहली बार ई रिक्शा संचालन के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट, एआरटीओ, पुलिस प्रशासन और केंट का एक ज्वाइंट ट्रायल किया गया। बता दें कि रानीखेत क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटकों के घूमने के कई स्थान हैं। इसी को देखते हुए आज संयुक्त मजिस्ट्रेट ने ई रिक्शा संचालन के लिए विजय चौक से केमू स्टेशन तक ट्रायल किया, जिसमें यह देखा गया कि ई रिक्शा कितनी सवारी लेकर सुविधापूर्ण से चल सकता है। इसी बीच संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बताया कि ई रिक्शा चालन हेतु आज एआरटीओ मैडम, पुलिस और केंट का एक ज्वाइंट ट्रायल बुलवाया गया था। साथ ही अल्मोड़ा से एक गाड़ी बुलवाई गई थी, जिसका सफल परीक्षण किया गया और हम परिणाम से काफी संतुष्ट हैं। अब इस पर मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर कुछ गाड़ियों का किराया निर्धारित कर विजय चौक से केमू स्टेशन तक सवारियों के साथ ट्रायल चलाया जाएगा। वहीं प्रशासन की कोशिश रहेगी कि 1.5 से 2 महीने में इसका संचालन शुरू किया जाए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जी, आज हमारे एआरटीओ मैडम, पुलिस और कैंट सभी की जॉइंट ट्रायल हमने बुलवाया था ई रिक्शा के लिए। तो अल्मोड़ा से गाड़ी बुलवाई गई थी, तो उसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ, काफ़ी स्मूथली चला है। 2 राउंड लगवाए हमने, एक बार 4 और इवन एक बार हमने 5 व्यक्तियों के साथ लगवाई राउंड। तो बहुत आसानी से विजय चौक से केमू स्टेशन तक रिक्शा गई है, तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इसे रिजल्ट से। तो अब हमारी यही है कि हम इसका एक रिपोर्ट बनाए जॉइंटली, कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रायल बेसिस पे विजय चौक से केमू स्टेशन तक कुछ रिक्शाओं का संचालन निर्धारित करके, निर्धारित शुल्क लेते हुए और निर्धारित लोगों को। तो ये हमारी प्रयास रहेगा प्रशासन का कि इसके लिए जल्द से जल्द परमिशन ऑब्टेन करके लगभग 1.5 से 2 महीने में कोशिश रहेगी कि एक वहाँ पे चालू की जाए, ताकि इससे बाजार में जो जाम की समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी, लोगों के लिए कन्वीनियंस होगी और इसके उपरांत जो बाजार के अंदर कई अनाधिकृत व्हीकल जो प्रवेश कर रहे हैं उस पर भी हम काफ़ी सख्ती से लगाम लगा सकेंगे।